नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर। आप देख रहे हैं इंडियन ट्रांसपोर्ट टूर चैनल को। आज हमारे साथ हैं टाटा मोटर्स की ऑल न्यू विंगर 13 सीटर, और वो भी एसी वेरिएंट। ये इस गाड़ी का सबसे टॉप वाला वेरिएंट है, और आज हम आपको इस गाड़ी के बारे में सब कुछ जानकारी देने वाले हैं प्राइसिंग और माइलेज के साथ। चलिए फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं इस शानदार गाड़ी को। जिनको फोर्स अर्बिनिया महंगी लगती है, उनके लिए टाटा मोटर्स की ऑल न्यू विंगर। ये 13+D वेरिएंट आप देख सकते हैं। और एक बात पहले ही क्लियर कर दूं, अभी गाड़ी स्टॉकयार्ड में खड़ी थी, जिसकी वजह से अभी यहाँ पर इसमें धूल बहुत है, बट गाड़ी बिल्कुल फैक्ट्री फ्रेश है। 10 दिन पहले गाड़ी यहाँ पर आई है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं गाड़ी के प्लांट लोकेशन की। इस गाड़ी की मैन्युफैक्चरिंग होती है महाराष्ट्र के पुणे में, जहाँ पर टाटा मोटर्स की बड़ी फैसिलिटी है। ये गाड़ी जहाँ पर बनती है, उस प्लांट का वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है, आप उसे देख सकते हैं। तो फ्रंट डिजाइन आप देख सकते हैं, बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट है। पुरानी विंगर इस प्रकार दिखती थी, नई विंगर इस प्रकार दिखती है। फ्रंट साइड में आपको मिलेंगे DRL कम इंडिकेटर्स, शानदार क्रोम की ग्रिल, टाटा मोटर्स का लोगो, हैलोजन बेस्ड हेडलैम्प्स, पेंटेड बंपर, फॉग लैंप के लिए स्पेसिंग, शानदार बड़े मिरर्स। साइड से लुक इस प्रकार दिखता है। इसमें आप मल्टीपल सीटिंग वेरिएंट ले सकते हैं। ये एसी वेरिएंट है, जिसकी वजह से आपको इसमें फ्रंट बम्पर और रियर बम्पर पेंटेड मिलता है। अगर आप इसमें नॉन एसी वेरिएंट लेते हैं तो उसका बम्पर पेंटेड नहीं होता है। अगर आप इसका बम्पर पेंट करवाते हैं तो गाड़ी का जो डिजाइन लगता है वो बहुत ज्यादा खूबसूरत लगता है। यहाँ पर है साइड इंडिकेटर। ये एक फ्रंट व्हील ड्राइव व्हीकल है, जिसके वजह से जो इंजन की पावर है वो फ्रंट व्हील में होती है। पीछे यहाँ पर डमी एक्सल लगा हुआ है। यहाँ पर इसका डीजल फिलिंग पोर्ट, ये इसका स्लाइडिंग डोर। गाड़ी इतनी ऊंची है और इतनी बड़ी है, जिसकी वजह से आपको इसमें चढ़ने के लिए एक स्टेप लगती है। रियर साइड लुक इस प्रकार दिखता है। यहाँ पर एक फिंगर का लोगो, टाटा मोटर्स की बैजिंग, LED टेल लैंप्स मिलते हैं। रियर सेफ्टी को बढ़ाने के लिए यहाँ पर रिवर्स पार्किंग सेंसर्स दिए गए, जिसे कि आप चेकआउट कर सकते हैं। बॉडी कलर डिस्क में रियर बंपर भी और रिवर्स पार्किंग सेंसर्स भी। लाइसेंस प्लेट यानी कि रजिस्ट्रेशन प्लेट को माउंट करने के लिए यहाँ पर स्पेसिंग दी गई है, लाइसेंस प्लेट लैंप्स के साथ। रियर साइड में दो बड़े ग्लास मिलते हैं। इस साइड में आपको कोई डोर नहीं मिलता, यहाँ पर सिर्फ एक ड्राइवर डोर है, इस साइड में डोर नहीं है। हमेशा पैसेंजर लेफ्ट साइड से उतरने चाहिए, राइट साइड से ना उतरे, इसके से यहाँ पर ये प्रिकॉशन दिया गया है। रियर साइड में आपको मिलते हैं लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन। इस गाड़ी का एग्जॉस्ट लोकेशन यहाँ पर दिया गया है। फ्रंट साइड में आपको मिलते हैं कॉइल स्प्रिंग सस्पेंशन, जिससे कंफर्ट बढ़ जाता है। और चलिए अब इसके शानदार इंटीरियर को एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ से ड्राइवर साइड डोर खुलता है। डोर्स पर विंडो अप डाउन लीवर, डोर ओपनिंग क्लोजिंग लीवर, ग्रैब हैंडल, बॉटल होल्डर और न्यूज़पेपर होल्डर आपको मिल जाता है। यहाँ पर चढ़ने के लिए एक स्टेप दी गई है, जिसकी वजह से कैबिन काफी इजिली एक्सेसिबल हो जाता है। और ड्राइवर सीट को देखिए, कई सारे टाइप के एडजस्टमेंट दिए गए हैं। आप इसे टिल्ट भी कर सकते हैं और स्लाइड भी कर सकते हैं। यहाँ पर दो इमरजेंसी हैमर है, जिन्हें आप आपातकालीन परिस्थिति में यूज कर सकते हैं। एंटी स्किड विनल फ्लोरिंग मिलती है, बिल्कुल शानदार डैशबोर्ड मिलता है। अगर इसमें थोड़े से चेंजेस किए जाए दोस्तों एक्सटीरियर और इंटीरियर में, तो मर्सिडीज की स्प्रिंटर वैन भी इसके सामने पानी कम जाए। इसके साथ साथ यहाँ पर देख सकते हैं इसका 4-स्पोक स्टीयरिंग व्हील। स्टीयरिंग व्हील पर टाटा मोटर्स का लोगो है। स्टीयरिंग के लेफ्ट हैंड साइड में वाइपर और वाइपर डिले का बटन दिया गया है, जिसकी मदद से आप वाइपर की स्पीड के अलावा वाइपर के डिले टाइमर को भी एडजस्ट कर सकते हैं। स्टीयरिंग के राइट हैंड साइड में लाइट्स, इंडिकेटर और हेडलैम्प लेवल एडजस्टमेंट का बटन दिया गया है। नेक्सॉन और टियागो में भी आपको इसी टाइप के सेम कंट्रोल्स मिल जाते हैं। यह इसका शानदार सेमी अनलॉक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जिसमें स्पीडोमीटर, RPM मीटर और सेंट्रल साइड में MID भी मिल जाता है। MID में आप फ्यूल, क्लॉक, ऑयल, टेम्परेचर गेज, ट्रिप मीटर, ओडोमीटर के साथ साथ गियर पोजीशन इंडिकेटर देख सकते हैं। हमारे कैमरे के फ्रेम रेट की वजह से यहाँ पर फ्लिकर आप देख सकते हैं, बट रियल लाइफ कंडीशन में ऐसा कुछ नहीं होता। और साथ ही साथ डैशबोर्ड कंट्रोल्स इसमें आपको बहुत सारे मिल जाते हैं, जिनमें सबसे पहला है ये लाइट का बटन। यहाँ पर इको मोड का बटन दिया गया है। यहाँ पर AC के कंट्रोल्स दिए गए हैं, हजार्ड लैंप का बटन, बैटरी कट ऑफ स्विच और यहाँ पर एक डोम लाइट का बटन। यहाँ पर व्हील चेयर एक्सेसिबिलिटी बटन है और यहाँ पर रियर AC का बटन दिया गया है। 5 वोल्ट 2.4 एम्पीयर के दो USB चार्जिंग पोर्ट मिल जाते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर 3 AC वेंट्स हैं। यहाँ पर साइड में स्टोरेज स्पेसेस आपको दी गई है। अगर यहाँ पर AC वेंट्स होते तो काफी अच्छा होता। ड्राइवर के साथ साथ आगे दो लोग बैठते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर सेंट्रल साइड में 3 AC वेंट्स दिए गए हैं। और अगर आप चाहे तो इस साइड में भी आप आफ्टर मार्केट म्यूजिक सिस्टम फिट करवा सकते हैं। LED स्क्रीन के लिए आप यहाँ पर कंट्रोल्स फिट करवा सकते हैं, जो आपके ऊपर है। कैबिन में आपको एक सनराइजर मिलता है, सेकंड साइड में सनराइजर नहीं मिलता है। ये पैसेंजर व्हीकल होने के कारण इसमें को इमरजेंसी हेल्प बटन मिल जाता है। जब हमें लाइट्स के बटन दबाएंगे दोस्तों, तभी ये लाइट्स के ऑन होंगे। ये देखिए, अगर हम ये बटन बंद करते हैं तो ये देखिए, यहाँ से भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि ये फीचर तब काम आता है क्योंकि जो लोग होते हैं, अभी देखिए अगर आपकी गाड़ी कहीं टूर पर गई है तो बहुत सारे लोग लाइट ऑन करके छोड़ देते हैं, और इन चांस कभी लाइट ऑन ही रह गया तो आपकी बैटरी उतर सकती है, जिसकी वजह से यहाँ पर सेफ्टी फीचर दिया गया है। आप इसकी मदद से कॉमन लाइट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। और यहाँ पर इसका 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, और खासकर अगर आप इसमें रिवर्स गियर लगाते हैं तो आपको ये उठाना पड़ेगा और इसे आप इसमें रिवर्स गियर एक्सेस कर सकते हैं। अब चलिए इसके पैसेंजर कंपार्टमेंट को देखते हैं। ये देखिए, एकदम स्मूथली ओपन होता है, सिंगल क्लिक में ओपन होता है। और अगर आपको इसे क्लोज करना होगा तो ये जो लीवर है आपको इसे खींचना पड़ेगा। अगर आप इसे खींचोगे तो ये सब बंद हो जाएगा। थोड़ा सा पुश करने कर ही आप डोर को खोल सकते हैं। और यहाँ पर सेफ्टी लॉक भी है, कभी गलती से ये डोर पीछे नहीं आ सकता। ये देखिए, काफ़ी हार्ड है। जब तक आप इस स्विच को नहीं खींचोगे तब तक डोर क्लोज नहीं होगा। बात कर ले एक्सेसिबिलिटी की, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक स्टेप दी गई है। यहाँ पर है कुछ इसके टेक्निकल डिटेल्स। इसका ग्रॉस व्हीकल वेट
3040 किलोग्राम्स का है। फ्रंट एक्सल वेट 1590 किलो का है और रियर एक्सल वेट 1450 किलोग्राम्स का है। इंटीरियर इस प्रकार दिखते हैं। ये 13 सीटर वेरियंट है, यानी कि यहाँ पर 11 लोग बैठेंगे और यहाँ पर दो लोग, ऐसे मिलाकर इसमें 13 पैसेंजर बैठ सकते हैं। पैसेंजर कंपार्टमेंट के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर एसी वेंट्स दिए गए हैं और ये फुल्ली फंक्शनल एसी है, ऐसा नहीं किसी ब्लोअर है, यहाँ पर ये फुल्ली फंक्शनल एसी है। और ये देखिए यहाँ पर भी एसी वेंट्स है, यहाँ पर एसी वेंट्स है, पीछे वाले लोगों के लिए ये एसी वेंट्स है, लॉन्ग रेंज वाले, कुछ ही मिनट्स में गाड़ी ठंडी कर देता है। अगर आपको अंदर जाना होगा तो आपको ये लीवर खींचना पड़ेगा, आप ऐसे लीवर खींचोगे तो ये आराम से उठ जाएगा। और अंदर देखिए एंट्री काफ़ी ईजी है और सीट्स आप देख सकते हैं अच्छे खासे है, थोड़े से हार्ड है बट यहाँ पर बैठने के लिए मतलब आपको ऐसा लगेगा नहीं कि आप किसी एवरेज वैन में बैठे हैं। काफ़ी अच्छा इंटीरियर बनाया गया है और खासकर प्राइसिंग तो है वो काफ़ी एग्रेसिव रखी गई है। प्राइसिंग आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं, काफ़ी अच्छे प्राइसिंग में आपको गाड़ी मिल जाती है। और लेग स्पेस आप देख सकते हैं, मेरी हाइट जो है 6 फीट की है और यहाँ पर जो है दोस्तों यहाँ पर 3 उंगली दे रही है, 3 उंगली यानी कि ठीक ठाक सा स्पेस है, पीछे बैठ सकता है आराम से आदमी। बट जो यहाँ पर बैठेगा दोस्तों तो उसके तो मजे ही मजे होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर भी काफ़ी अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है। पीछे थोड़ा सा अच्छा है एज़ कम्पेयर टू दिस सीट्स, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा कम स्पेस मिलता है बट पीछे आपको काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाता है। काफ़ी बड़े विंडोज़ मिलते हैं गाड़ी के हिसाब से भी, ठीक ठाक ही विंडो। और यहाँ पर एक इमरजेंसी बटन और यहाँ पर इमरजेंसी हेल्प बटन दिया गया है जिसके वजह से आप ड्राइवर को अलर्ट कर सकते हैं। बट बहुत सारे केसेस में तो ये देखा गया कि भैया गाड़ी रुकाओ, भैया मुझे जाना है, बस इतना बोलते गाड़ी रुक जाते हैं। यहाँ पर ओपनेबल ग्लास दिया गया है, स्लाइडिंग विंडो है, ये देख सकते हैं ओपन होती है बट ये ओपन नहीं होता है। और यहाँ पर एक इमरजेंसी हैमर है जिसको केबल दी गई है। पैसेंजर्स का कैसा होता है दोस्तों कि इसे भी चुरा के लेके जाते हैं, इसकी वजह से यहाँ पर सेफ्टी के लिए टाटा मोटर्स ने केबल दे के रखी है, यानी कि भैया कोई चुरा के ना लेके जाए, इतना भी ध्यान रखा है टाटा मोटर्स ने। और क्या होता है दोस्तों छोटे बच्चे वगैरह उतना इसे बैग में भी डाल के लेके जाते हैं, हमारे एक गाड़ी के साथ ऐसा हुआ था इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और यहाँ पर देखिए लाइट्स के कंट्रोल से, यहाँ पर एक लाइट है, यहाँ पर एक डोम लाइट है। एसी वेंट इस प्रकार दिखते हैं फुल्ली व्यू, और इसकी मदद से आप इसके ब्लोअर स्पीड को एडजस्टमेंट कर सकते हैं, स्पीड को बढ़ा सकते हैं। और यहाँ पर एक फायर एक्सटिंग्विशर है सेफ्टी के लिए, नीचे एंटी स्किडिनल फ्लोरिंग मिलती है। बहुत सारे लोग इसे क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ, इसमें लोग बेस वेरिएंट लेते हैं, यानी कि ये कार्गो वेरिएंट जो आता है इसे लेते हैं लोग, और भाई साहब सीट वगैरह निकाल के फुल्ली कस्टमाइज करवाते हैं, ऑलमोस्ट 10-12 लाख भी इसमें फूंक देते हैं लोग और बनाते हैं इस गाड़ी को शानदार वैनिटी वैन। और जब इस गाड़ी की वैनिटी वैन बन जाती है जो लुक होता है देखने लायक होता है, क्योंकि मतलब ऐसा कम्फर्ट आपको बड़े बड़े कार्स में नहीं मिलेगा, ऐसा कम्फर्ट आपको इसमें मिल जाता है। और रियर साइड से देखिए, रियर साइड इस प्रकार खुलता है, यहाँ पर ठीक ठाक सा बूट स्पेस है दोस्त, अगर 11 लोग जा रहे हैं तो भी 5-6 लोगों का सामान यहाँ से आराम से बैठ सकता है बट शॉर्ट डिस्टेंस के लिए ठीक है। यहाँ पर इसका टूल बॉक्स आप देख सकते हैं, टूल किट कार्टन यहाँ पर दिया गया है, इसका स्पेयर व्हील लोकेशन, यहाँ पर जैक दिया गया है, जैक काफ़ी बड़ा है और ठीक ठाक सामान यहाँ पर आ सकता है। इसमें से अगर कोई डोर गलती से ओपन भी रह गया तो भी ये गाड़ी बीप बीप करती है, जिसकी वजह से आपको कोई इसमें दिक्कत आती नहीं है। अब चलिए इसका इंजन एरिया देख लेते हैं, यहाँ से इंजन खुलेगा इसका। तो फ्रंट बोनट खोलने के बाद इस प्रकार दिखता है, इंजन एरिया भी काफ़ी ठीक ठाक सा ही है, यहाँ पर काफ़ी छोटा सा आपको बोनट एरिया मिलता है बट इसमें मिलता है आपको ये पावरफुल इंजन जिसके स्पेसिफिकेशन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर बैटरी लोकेशन है, यहाँ पर इंजन ऑयल लोकेशन है, यहाँ पर कूलेंट टैंक है, एयर फिल्टर लोकेशन, पावर स्टीयरिंग ऑयल आप यहाँ पर डालोगे, साथ ही साथ यहाँ पर रेडिएटर दिया गया है और एसी कंडेंसर यूनिट आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। इसकी जो कंप्रेसर पुली है दोस्तों एसी की, वो यहाँ पर दी गई है, ये देखिए यहाँ पर ये जो रेड वायर देख सकते हैं आप, यहाँ पर इसकी कंप्रेसर पुली आप देख सकते हैं जिसकी वजह से इसका एसी रन करता है। और क्लोज करना काफ़ी आसान है यार, बस इसे आप इसे लगाओ और इसे छोड़ दो। अब आपके कुछ पसंदीदा सवाल जैसे कि प्राइसिंग वगैरह वगैरह, तो स्क्रीन पर आप कीमत देख सकते हैं। माइलेज भी इस गाड़ी का ठीक ठाक सही है, ऑलमोस्ट आपको ये गाड़ी 10 से 12 का माइलेज निकल कर देती है। और सबसे बढ़िया बात, अगर आप इसे इको मोड पे चलाते हैं तो कुछ लोगों ने 14 का भी माइलेज इसमें क्लेम किया है, पर डिपेंड करता है आप इसे चलाते कैसे और आप किस रोड पर चलाते हैं। और खासकर योद्धा में और विंगर में बहुत सारी सिमिलरिटीज है, दोनों एक ही प्लांट में बनती हैं, साथ ही साथ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी शेयर करती है, इंजन के भी कुछ कंपोनेंट्स को शेयर करती है। और दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखोगे तो फ्रंट साइड में इसका विंडशील्ड वॉशर फ्लूड यहाँ पर दिया गया है, इसका यहाँ पर टैंक है, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर इसमें ऑयल कूलर दिया गया है। आपको जो भी जानकारी जाननी थी हमने इस वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश की है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।